बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण में शब्दों के वर्गीकरण में आता है बहुत सारे, जैसे विपरीतार्थक है, समानार्थी शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सूक्ष्म भिन्नार्थी शब्द है। उन्हीं में से एक है विपरीतार्थक शब्द, जिसको हम उल्टे शब्द भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम छोटा शब्द बोले तो इसका उल्टा, इसका विपरीतार्थक होगा बड़ा। हम शब्द बोले हानि तो इसका विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द होगा लाभ, क्योंकि लाभ होता है फायदा। ऐसे ही जैसे अब एक शब्द आ गया फायदा तो उसका उल्टा शब्द होगा नुकसान। ये हम अपने घर में बैठ के भी दे सकते हैं, जैसे ऊपर आसमान है तो नीचे धरती आपस में उल्टे हैं। आप घर में छोटे हैं तो आपसे एक बड़ा होगा, वो आपका उल्टा हो गया। जैसे काला है तो उसका गोरा हो गया, जैसे छोटा है तो उसका लंबा हो गया, जैसे मोटा है तो उसका पतला हो गया, ऐसे ही सुख है तो उसका दुख हो गया, जन्म है मरण हो गया, यश है अपयश हो गया, मान का अपमान हो गया, उल्टा का सीधा और सीधा का उल्टा, ऊंचा का नीचा और नीचा का ऊंचा, जीवन है का उसका मृत्यु हो गया, मृत्यु है तो उसका जीवन हो गया। ये सारे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि हमें एक बार शब्द को देखना है और उसका जो भाव है वो समझना है, तो ठीक उसके उल्टे भाव का शब्द हमने लेना है, वो उसका विपरीतार्थक शब्द कहलाएगा। और ये हमारे पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। ये छठी सातवीं आठवीं कक्षाओं में तो जहाँ आता ही है, उसके अलावा नौवीं दसवीं कक्षाओं में भी ये आता है। और व्याकरण का एक मुख्य भाग है जब शब्दों के वर्गीकरण को हम सीखते हैं कि शब्दों शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द के वर्गीकरण जब हम आगे देखते हैं तो उनमें से एक आता है विपरीतार्थक शब्द। और उसी का आज हमने अध्ययन किया है, विपरीतार्थक शब्दों का कि किस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं। तो आप भी अभ्यास के लिए अपने अभ्यास पुस्तिका उठाइए और ऐसे ही जितने भी आपके मस्तिष्क में, दिमाग में, बुद्धि में आते हैं, समझ में आते हैं, वो सारे लिख डालिए। कम से कम प्रयास कीजिए कि 20 शब्द तो जरूर लिखिए जिनके विपरीतार्थक शब्द आप लिख सकते हैं। आज का कार्य हमारा यही रहेगा। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।